बलिया के बांसडीह विधानसभा से बीजेपी के विधायक केतकी सिंह का बांसडीह तहसील के तहसीलदार मजिस्ट्रेट को धमकी देने का वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में बीजेपी विधायक बुलडोजर का विरोध करते हुए नजर आ रही हैं और कहती हैं कि मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही और आपने उसका सम्मान नहीं रखा और बुलडोजर लेकर चले आए। आपके पास बुलडोजर की ताकत है, आप बुलडोजर लेकर चले आए। हमारे पास जनता की ताकत है, अगर आप घर गिरा देते तो मैं खुद आपके तहसील में आग लगा देती। वहीं बीजेपी विधायक केतकी सिंह के समर्थक पूर्व प्रधान ने भी तहसीलदार को गाली गलौज की और धमकी दे रहे हैं। मैंने आपको एक छोटी सी बात कही, आपने उसका सम्मान क्यों नहीं रखा? सम्मान ये रखा क्या बुलडोजर लेकर चले आए? सम्मान रखा नहीं, अगर ये सम्मान तो फिर यही सम्मान तो मेरे लोग भी आपको लौटाएंगे। फिर इसी भाषा में, क्योंकि आपके पास था बुलडोजर की ताकत, आप लेकर चले आए। हमारे पास सब तो की ताकत, तो ये आप ये बताइए कि घर गिरा देते तभी, तब तो फिर पूछना ही नहीं, तब तो मैं खुद ही आग लगा देती पूरे तहसील में। तब होता कि आपकी बात का सम्मान नहीं, तो पूरा आपने उस पे बुलडोजर चला दिया और अभी भी आपने मेरा सम्मान रखा है। मैंने यहाँ के बात सुना की रुक जा, तू अरवल लेकर गाड़ी आके चला। आप ये बताइए, आपने मेरा सम्मान एक दिन रुपए होते हैं और एक घंटे आज भर, एक मैडम आज आज भर रुपए होते हैं। सरदार साहब सुने, सर सरदार साहब आप कल पूरा घर भसा देते, उसका मतलब नहीं है। एक बार जब विधायक जी बोल दी कि आज रुकिए तो तहसील को रोकना पड़ेगा, दाग लगा देंगे हम तहसील में। क्या समझते हैं आप? बड़ा तो मान लो चुटले पाल को बड़ा आराम से बुलाइए इसको। नहीं, क्या समझते हैं आप? अभी आज की कहानी और क्या समझते हैं विधायक का मतलब? अभी रुका है इतना चुनने के लिए, इतना फर्स्ट वहीं वायरल वीडियो को लेकर भाजपा विधायक केतकी सिंह का कहना है कि एक गांव में सरकारी खाली जमीन थी जिसमें मेरे पास आए हुए फरियादियों के परदादा ने जानकारी के अभाव में घर बना लिया था। छप्पर टूट जाने की वजह से वो दोबारा बनवा रहे थे, तभी कुछ अधिकारी बिना सूचना के घर को गिराने बुलडोजर लेकर पहुंच गए थे। बुलडोजर से घर का कुछ हिस्सा टूट गया था। योगी जी का कहना है कि किसी गरीब के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक आपके पास कोई उचित कारण ना हो। मामला ये था कि कुछ फरियादी मेरे पास सुबह आए और उन्होंने ये बताया कि हमारे परदादा ने बिना जानकारी के, बिना एक सौर की जमीन होती है, हर गांव में अमूमन होती है, वो ज़मीन ऐसी होती है जहाँ बच्चे को पहले पुराने ज़माने में लोग महिलाएं पैदा करती थी, तो वो ज़मीन उसके लिए बुक हो जाती है। तो उनके परदादा ने जानकारी के अभाव में वहाँ पे एक मकान बना लिया, मकान बना लिया। अब जो है, जब सारी जानकारियाँ हो रही हैं, सरकार हमारी बहुत एक्टिव है हर सरकारी ज़मीन के लिए, तो ये पता चला कि उनका वहाँ मकान बना हुआ है। वो बेचारे, उनका बंदर कूद गया तो छप्पर टूट गया था, तो अपनी छप्पर ढा रहे थे, तो बिना किसी नोटिस के वहाँ पे कुछ अधिकारी पहुँच गए बुलडोजर लेकर और उसके घर को बुलडोजर चला दिया उसके घर के ऊपर, जिसमें कुछ उसका हिस्सा टूट गया। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साफ ये कहना है कि किसी भी गरीब के घर पर या उसके किसी रोजी रोटी पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं जब तक आपके पास कोई उचित कारण ना हो। उचित कारण भी हो तो भी आप गरीब के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते, बस यही मांग। आपके आपके जो सामने तहसीलदार साहब को बोल रहे हैं वो कौन व्यक्ति हैं? देखिए, अब जिसके घर पे बुलडोजर चलेगा या जिसके रिश्तेदार के घर पे बुलडोजर चलेगा, वो तो फूल तो बरसाने से रहा। मुझे ये लगता है कि आप लोग इस बात से अग्री करेंगे, उसके मन में तो होगा ना, मेरा घर, उसकी जीवन का मतलब टूट गया, वो क्या करेगा? तो मतलब जिसका घर था उसके रिश्तेदार थे वो? हाँ, उसके रिश्तेदार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।